हेलो फ्रेंड, सिम्मी के तड़के में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अरबी लेके आई हूँ, जो मैं फ्राई अरबी बनाऊंगी, जो इस तरह है। ये देखिए, हमने इसमें इसको हमने अरबी को अच्छी तरह काट के इसको हमने धो लिया है, और इसमें नमक लगा के इसको 3-4 पानी से धो के ऐसे किचन क्लॉथ में हमने इसको डाल दिया था सूखने के लिए। अभी ये ड्राई हो गई है, तो हम इसको डोंगे में डाल के इसकी हम कोटिंग करेंगे। इसमें हमारा नमक अभी इसमें है, क्योंकि हमने नमक लगा के इतना धोया था, तो इसमें नमक अभी रह जाता है, हमें नमक नहीं लगाना है। इसको हमने चावल के आटे से इसकी कोटिंग कर लेनी है और इसको ड्राई कर लेना है ऐसे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें सरसों का तेल डाल लिया है, अच्छी तरह गर्म कर लिया है। देखिए, एकदम से गर्म हो गया। इसको हमने सरसों के तेल में ही बनानी है, क्योंकि ये करारी बनती है। अब ये हमारी जो कोटिंग की हुई थी हमने चावल के आटे से, और अच्छी तरह इसको धो के, तो ये देखिए हमने इसको स्लाइसेस में फ्राई कर लेना है पहले, फिर हम इसमें मसाला बनाएंगे। ये हमारी फ्राई हो गई है अरबी। इस तरह मैंने सारी इसको ऐसे फ्राई कर लेना है, और इसको हमने इसमें निकाल लेना है। लहसुन हमने ज़्यादा लेना है, 2-3 हरी मिर्चें, और प्याज को हमने पहले ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमने ये जो ऑयल हमारा हमने फ्राई किया था उसको थोड़ा सा निकाल लेना है, उसमें हमने तड़का लगा देना है इसका, हींग का, और 1/2 टीस्पून हमने जीरा डाल देना है। इसके बाद 2 मिनट इसको भून के हमारा फ्राई हो गया जीरा, और वो ये हमने ग्राइंड किया है लहसुन, प्याज हमने कम डालने हैं, लहसुन ज़्यादा डालना है, और 2 हमने प्याज डाले, 2 ग्रीन चिली हैं 2-3, और हमने इसमें प्याज डालना है। तो इसी तरह डाल डाल करके जो है हमारा मसाला एकदम से ड्राई हो गया सबसे। अब इसमें हमने नमक हम कम डालेंगे, क्योंकि हमने जब धोया था तो उसमें नमक की मात्रा रह जाती है। ये हल्दी, अजवाइन, सूखा मसाला, काली मिर्च और अमचूर, ये इसमें हमने सारे सूखा धनिया डाला है मैंने, और इसमें हमने देगी मिर्च डाल देनी है 1 टीस्पून, जिससे कलर बड़ा अच्छा आएगा इसका। दही और टमाटर को हमने फेंट लिया है, आधी कटोरी दही है, आधी कटोरी टमाटर है, 2 से 3 टमाटर हमने पीस कर दिए थे। ये देखिए, इसको हमने इसमें डाल देना। दही आपने ज़रूर डालनी है इसमें, क्योंकि अरबी में दही का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हमने अब अच्छी तरह पका लेना। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने टमाटर जो हमने दही डाली थी उसे, ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसमें, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और इसमें हमने इसको डाल देना, थोड़ा ढीले में ही डालना है, क्योंकि जो हमारा मसाला है तो ये भी पीलेगी तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसको हमने ऐसे मिक्स कर देना। ये हमारी अब टिपटवी से अरबी बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया, और मसाला एकदम से, ये सूखी सब्ज़ी बनती है। इसको हमने अब सर्विंग बाउल में डालना है, धनिए से गार्निश कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अरबी बन के तैयार है। बहुत ही यम्मी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको आप ट्राई करिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।